What's up guys, welcome back to my channel. Guys, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि आपके यूनिट में बनने वाले लेटेस्ट डिजाइन और कॉन्सेप्ट्स दिखाइए और उनके बारे में समझाइए कि होता कैसे है. तो आज रिचा फैशन हब अपनी यूनिट में बनने वाले कुछ लेटेस्ट पैटर्न्स आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसमें कि लहंगे, कुर्ती, वन पीस, ब्लाउज के पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं. अब बात करते हैं कि ये डिजाइन्स बनती कैसे हैं. तो फ्रेंड्स, जब भी कोई डिजाइन का ऑर्डर मेरे पास आता है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है खाका, यानी कि पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर छापना, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है. उसके बाद का प्रोसेस होता है अड्डे पर फैब्रिक को चढ़ाना, मतलब कि एक कॉट जैसी, मतलब चारपाई जैसी चीज होती है जिसके ऊपर फैब्रिक को टाइट करके चढ़ाया जाता है, जिसके बाद एम्ब्रॉयडरी आसानी से होती है. उसके बाद एम्ब्रॉयडरी शुरू की जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि किसी भी नई डिज़ाइन की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है. तो गाइस, जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक लहंगे की कली आप लोगों को दिखाई है, जब ये ऑर्डर हमारे पास आया था तो सबसे पहले हमने एक कली तैयार करवाई थी और उसको फैब्रिक पर डिज़ाइन छाप कर एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू करवाया था. एम्ब्रॉयडरी करने के बाद पूरी कली तैयार हुई, उसमें कितना रॉ मटेरियल, मतलब कि जो हैंडवर्क हुआ है, चाहे वो दबका हो, जरदोजी हो, स्टोन्स हो या कोई और, कितना रॉ मटेरियल लगा, प्लस कारीगर को कितना टाइम लगा इस कली को कंप्लीट रेडी करने में, क्योंकि कारीगर जो होता है वो पर आर के हिसाब से चार्ज करता है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरे लहंगे की कॉस्टिंग निकाली जाती है. तो अब आपको समझ में आया कि कितनी मेहनत लगती है हमारी यूनिट में. आई होप you like this video and please guys like share and subscribe my channel for latest updates. Order number last ki slide pe diya gaya hai. Stay safe, take care. Milte hain next video mein.